नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर योगी, आपके जो मनपसंद चैनल है योगी आयुर्वेदा पे, हम लोग हर बारी नए विषयों पर जानकारी देते हैं। कुछ विषय हमारे हो चुके हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर रिस्पेक्टिवली क्वेश्चंस होती हैं, क्वेरीज होती हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस होते हैं, ईमेल्स होते हैं, एंड लोगों की ब्लेसिंग्स भी होती हैं कि आपने ये नुस्खा हमें बताया या इन चीज़ों से हमें बेनिफिट्स मिला या हमने ट्रीटमेंट्स करे, हमें बहुत बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स आए, तो खुशी होती है और मुझे भी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जानकारी में शेयर कर सकें ताकि आप एक बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स के लेवल पर आप पहुंच सकें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा, दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द पीनस श्रिंकेज। इसमें दो तरह के सब्जेक्ट्स रहते हैं, पीनस श्रिंकेज, एक होता है पीनस का ग्रोथ ना होना। ये दो अलग अलग विषय हैं, कई पेशेंट्स इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं। पीनस श्रिंकेज मीन्स नॉर्मल साइज़ जो पीनस का हम लोग काउंट करके चलते हैं इनिशियल, दैट शुड बी 6 inches, 6 to 8 inches एक नॉर्मल साइज होता है पीनस का। जब वो 6 inches से कम हो रहा है, पेशेंट जैसे इन द एज ऑफ 45-50 में महसूस करता है कि पहले मेरा साइज़ मुझे लगता था इट शुड बी 6 inches, अब मुझे लग रहा है 5, 5.5 या 4.5 रह गया, 1.5 inch कम हो गया, सर्कुलेशन कम हो गया, स्ट्रेंथ कम हो गई, उसमें पावर और स्टेमिना कम हो गया, जो मैं पहले सेक्स लाइफ बहुत खुल कर इन्जॉय करता था 10-15 मिनट, अब मुझे वो नहीं लगते हैं। रीज़न बिहाइंड के पीनस में एक ब्लड फ्लो होता है, 3 arteries पीनस में जाती हैं जिनसे आपको एक पावर और स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस लेवल जो है बनता है, जिसके कारण साइज़ पूरा खुलेगा जब उसमें पूल में ब्लड भरेगा पीनस के मसल्स को। जब वो ब्लड में मसल्स में ब्लड में भरेगा, जब ब्लड सर्कुलेशन आपका प्रॉपर पंप करेगा, ब्लॉकेजेस नहीं होंगी, कोई उसमें सर्कुलेशन जाने में दिक्कत नहीं होगी और कोई कैल्सिफिकेशंस नहीं होंगी। 50s की एज में जाकर कैल्सिफिकेशंस भी शुरू हो जाती हैं, जब वो चीज़ें नहीं होंगी तो आपको किसी तरह की जो दिक्कत है वो आने का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। आपकी टाइमिंग भी प्रॉपर 10-15 मिनट रहेगी और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका पूरा रहेगा, इजेकुलेशन भी आपकी अच्छी रहेगी और पावरफुल इजेकुलेशन के साथ आप खुलकर रिलैक्स होंगे। पीनस श्रिंकेज में बेसिकली मसल्स की श्रिंकेज होनी शुरू हो जाती है, जो ब्लड टिश्यू फ्लो में भरना पड़ता है वो ब्लड फ्लो कम हो जाता है, इट रिड्यूसेस टू 60%, 40%, 20%, कितना पीक फ्लो आपका कम होता जा रहा है। तो जितना आपका पीक फ्लो कम होता जाएगा, पेशेंट्स इरेक्शन कम महसूस करेगा, पेशेंट को लगेगा मुझे हार्डनेस भी अब कम आती है, अब मैं पार्टनर के नज़दीक जाता हूँ मुझे हल्का हल्का प्रीकम भी शुरू हो गया, मेरे पीनस में वो स्ट्रेंथ नहीं रहती है, मैं अपनी पार्टनर के प्रति जो खिंचाव है मुझे, जो लिबिडो रहता था इंटरेस्ट के, पार्टनर की खुशबू और महक से ही मैं बहुत स्ट्रेंथ फील करता था अपने ऑर्गन में, वो चीज़ें पेशेंट को पीनस में नहीं आएंगी। इसके अलावा पीनस श्रिंकेज में कुछ और चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे हम लोग मेडिकेशन कह लेते हैं, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड की इन मेडिसिन का बहुत फ़र्क पड़ता है, एंटी कैंसर जो ड्रग्स है मेडिसिन उनका बहुत फ़र्क पड़ता है, डिप्रेशन की मेडिसिन का बहुत फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ें बहुत धीरे धीरे हर चीज़ें इवेल्यूएट करती हैं, काउंट करती हैं। ओवर मैस्ट्रबेशन बहुत बड़ा रोल है मस्कुलर वीकनेस के लिए, उसके स्ट्रेंथ पे अगर हम लोग लेके चलते हैं, जो हमारी जो ओवर ईटिंग है उसके कारण फ़र्क पड़ता है, अल्कोहल या नशों के इस्तेमाल के कारण ज़्यादा होता है या मल्टीपल पार्टनर्स के कारण रहता है। सो एक बीमारी का एक कॉज हम लोग नहीं काउंट कर सकते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स के कारण एक प्रॉब्लम इकट्ठी होकर वो डिजीज़ या प्रॉब्लम का रूट बन जाती है। वो क्यों बनती है, हम छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं वो एक भरकर घड़ा बन जाता है, वो प्रॉब्लम फिर आगे नए रूप में आगे आनी शुरू हो जाती है। ये पीनस श्रिंकेज के बारे में ध्यान से मैं एक बार और आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान रखिए चलिएगा, ये प्रॉब्लम्स इनहेरिटेंस में भी आगे जाती हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए जिनको अराउंड 30s की एज में जिनकी मैरिज नहीं हुई है, क्योंकि आज की डेट में IT सेक्टर्स में हैं लड़के लड़कियाँ, जो यंग बॉयज़ हैं वो 30-35 की एज के बाद ही मैरिज प्रेफर करते हैं, तो उनमें ये चीज़ें भी देखने को ज़्यादा मिल रही हैं कि वो जब लेट मैरिजेस करते हैं इधर मेल और फीमेल पार्टनर, तो उनको ये जो जेनेटिक फैक्टर है, ये जेनेटिक फैक्टर का खामियाजा उनके आने वाली ऑफस्प्रिंग्स को ना करना पड़े, ना भुगतना पड़े। तो मैं ये चाहूँगा कि वो एटलीस्ट अपने आप को उतना स्टैमिना फिट करके ही अपनी मैरिज को गो थ्रू करें, ज़िंदगी के नए पड़ाव में पैर रखें, कि ताकि उनको ये प्रॉब्लम ना आए और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं अगली ऑफस्प्रिंग्स में बच्चों को ना आए, ताकि अगर वो खुद तंदुरुस्त रहेंगे तो बच्चे भी उनके तंदुरुस्त रहेंगे, अगर वो खुद वीक रहेंगे तो बच्चे भी ऑब्वियसली वीक ही होंगे। बहुत सिंपल आंसर है ये, कोई इसमें एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है। सो अल्टीमेटली जो मैं चाहता हूँ, जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम लोग डिले कर सकते हैं, ख़त्म तो नहीं हो सकते हैं, बट हम लोग उनको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे ओवरवेट ले लीजिए, शुगर है, पेशेंट फैमिली में शुगर रहता है तो उसको अगली आने वाली ऑफस्प्रिंग की शुगर डिले हो सकती है, कि अपना लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी रखे, एक्टिव रहे, तो वो एक्सटेंड कर सकता है 10-15 साल, 50 साल की उम्र में शुगर नहीं आएगी उसको, वो 60-65 में ले लेगा, 70 में ले लेगा, वो समझ में आता है। तो वही प्रॉब्लम्स हर
डिजीज़ और प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड कॉजेज़ ने, उन कॉजेटेड कॉजेज को हमने रोकना है जिसके कारण हम आज इस प्रॉब्लम में खड़े हैं। तो जब पीनिस का श्रिंकेज है वो खुल जाएगा, स्ट्रेंथनिंग क्लियर हो जाएगी। कई लोग इसमें पीनिस श्रिंकेज में हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने सर्जरीज कराई हैं, इम्प्लांट्स लगवाए हैं, इनहिबिटर्स मेडिसिन यूज़ करते हैं। पर वो पेशेंट्स कहते हैं हमने दवा सस्ती मंगवाई, अलग अलग 35 की मिक्स करके दे रहे हैं दवाई। डॉक्टर्स ने खुद बोला भी हम 2 35 का मिक्स करके दे रहे हैं। तो इसमें दवा खाने से पेशेंट कहता है मुझे आँखों में भारीपन हुआ, सिर में भारीपन हुआ, मेरी इरेक्शन इतनी रही स्ट्रॉन्ग कि मुझे लगा मेरे को तो कभी श्रिंकेज की प्रॉब्लम नहीं थी, और मेरी हार्डनेस भी ऐसी मस्त रही। पर वो 2 दिन दवा खाने के बाद जब उसने दवा छोड़ी उसके रिजल्ट्स वहीं आ गए, और उसके जो साइड इफेक्ट्स पेशेंट को अपने आप महसूस हो जाते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन रहेगी दवा वो 72 घंटा लेगी आराम से ब्लड में एब्जॉर्ब होकर एनर्जी देने के लिए। कोई भी दवाई खाते सारे आपको इंस्टेंट पावर आ रही है तो इट मीन्स वो मेडिसिन कम है, वो या तो टॉनिक है, इंस्टेंट टॉनिक दिया गया है, या वो आपको वो ड्रग है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, एकदम बूस्ट कर रही है। तो कोई भी ऐसी बूस्ट करने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स हैं, या किसी तरह के आप इनहिबिटर्स ले रहे हैं, या किसी तरह के आप स्टड क्रीम्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, या कुछ इम्प्लांट्स लगा रहे हैं, तो वो एक नेचुरल नहीं है। क्योंकि जब आप इन चीज़ों पर डिपेंड होते हैं तो आपकी जो नेचुरल लिबिडो है, इंटरेस्टेड टुवर्ड्स पार्टनर है, जो एक अंदरूनी खिंचाव है, अंदरूनी रिलैक्सेशन है इजैकुलेशन की, वो आपको फील नहीं होगी। आप इजैकुलेट तो हो जाएंगे, रिलैक्सेशन भी आ जाएगी, बट वो जो एक लेवल ऑफ चार्म है वो पेशेंट को नहीं मिल पाता है, वो एक अंदर से जो बॉन्ड है वो नहीं बन पाता है। तो मैं राय दूंगा कि आप इन चीज़ों के जो आर्टिफिशियल चीज़ों हैं उन चीज़ों पर जाने की बजाय एक प्रॉपर आयुर्वेदा के कोई भी क्लिनिकल जो सेक्सुअल एक्सपर्ट है, जो 4 पीढ़ियों से अगर आपकी आयुर्वेद में सेवा दे रहा है, या किसी भी पैथी में है, या जिसके पेशेंट्स क्लिनिकली एविडेंसेस के साथ प्रॉपर ठीक हुए हैं, उनके प्रॉपर रिकॉर्ड्स को स्टडी करके, दवाइयाँ जिसकी GMP सर्टिफाइड हैं या USFDA अप्रूव्ड है, मान्यता प्राप्त है, जिससे पेशेंट को पता है कि मुझे दवा गुणवत्ता, उत्तम गुणवत्ता वाली दवा मिलेगी और मुझे बहुत लाभवंद फ़ायदे मिलने वाले हैं, मुझे किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट होने का फियर नहीं है। तो जब आपको ऐसी क्वालिटीज़ अगर आपको किसी डॉक्टर वैद्य या किसी हकीम के पास मिलते हैं जिसके पास ये सारी क्वालिटीज़ हैं, स्पेसिफिकेशंस आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट देने के लिए, तो मैं चाहूँगा ज़रूर उनसे कंसल्ट करिए, ताकि आपको एक बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट पे ट्रीटमेंट मिले, ताकि आपको एक जो प्रॉब्लम है उससे आप बाहर निकल सकें और एक खुशहाल सेक्सुअल लाइफ बिता सकें।